देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। महाराज अग्रसेन जयंती महोत्सव को लेकर की प्रेस वार्ता, इस वार्ता के दौरान क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराजा का कार्यक्रम कल्चर प्रोग्राम और बाकी सब डिटेल है वो मना रहे हैं, जिसका 26 तारीख को जो कार्यक्रम स्टार्ट होगा, जिसमें सबसे पहले मालापन ज्योति, उसमें अब हमारे बैठे हैं थोड़ा पीछे हमारे वीडियो बन रही है और सबसे एक्टिव हम उतना कार्य जल्दी समारोह में नहीं कर रहे जितने बाबूजी कर रहे हैं, और बाबूजी भी कुछ बताना नहीं चाह रहे हैं। समस्त अग्रवाल समाज द्वारा महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इस महोत्सव में हम 3 दिन का कार्यक्रम 24, 25 और 26 सितंबर को मनाने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत 24 तारीख को हवन के साथ सेक्टर 16 महाराजा अग्रसेन चौक पर हवन के साथ की जाएगी। उसके बाद ध्वजारोहण का कार्यक्रम रहेगा और 9 बजे विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन अग्रवाल भवन सेक्टर 16 में किया जाएगा। और इन 3 दिनों के दौरान पंचकूला के विभिन्न स्थानों पर 11 भंडारे महाराजा अग्रसेन जी की जयंती के उपलक्ष्य में लगाए जाएंगे और लगभग 176 यूनिट 5176वीं हमारे महाराजा अग्रसेन जी की जयंती है, तो हमारा लक्ष्य मिनिमम 176 रक्त के यूनिट दान करने का है। इसके साथ साथ उसी दिन 24 तारीख को दोपहर बाद 3 से 7 बजे तक अग्रवाल भवन में हमारी महिलाओं बहनों और बच्चों के द्वारा ड्राइंग, रंगोली और मेहंदी का कंपटीशन का आयोजन किया जाएगा और उनके फर्स्ट सेकंड थर्ड जो पोजीशन रहेंगे उनको 26 को सम्मानित किया जाएगा और हर पार्टिसिपेंट्स को हम सर्टिफिकेट और स्मृति चिन्ह के रूप में, गिफ्ट के रूप में हम उनको सम्मानित करेंगे। शोभा यात्रा के बारे में बताइए, कहाँ से कहाँ निकलेगी? और जो शोभा यात्रा के बारे में, जो 25 तारीख को भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जो कि सेक्टर 7 पंचकूला डीसी मॉडल स्कूल के बाहर से स्टार्ट होकर सेक्टर 7, 8, 9, 10, 11 और 10 के डिवाइडिंग से होते हुए सेक्टर 14 और उसके बाद 15 होते हुए अग्रवाल भवन सेक्टर 16 पर आएगी। फूलों की वर्षा की बात की, इस यात्रा पर आसमान से पुष्प वर्षा की जाएगी हेलीकॉप्टर के द्वारा, ड्रोन के द्वारा, पूरी यात्रा पर आसमान से पुष्प वर्षा रहेगी। मुख्य अतिथि कौन आ गए हैं? और इन जो 24, 25 और 26 को जो कार्यक्रम है वो 6 से 9 अग्रवाल भवन में है, जिसमें कि हम उभरते हमारे युवा पीढ़ी को जिन्होंने कि पंचकूला का नाम रोशन किया उनको समाज द्वारा सम्मानित किया जाएगा, जो हमारे बुजुर्ग 75 साल से ऊपर जो जिन्होंने कि अपने जीवन में सामाजिक कार्य किए और अपना जीवन समाज के लिए लगा दिया उनको भी हम सम्मानित करेंगे। ठीक है, इन तीनों जो कार्यक्रमों में 3 दिन के जो महोत्सव है इसमें हमारे जो मुख्य अतिथि रहेंगे हरियाणा विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी और उसकी अध्यक्षता करेंगे जो पंचकूला के हमारे मेयर हैं मेरे भाई श्री कुलभूषण गोयल जी और विशेष अतिथि शरण गर्ग जी चेयरमैन हरियाणा गौ सेवा आयोग रहेंगे। 26 तारीख को कार्यक्रम में हमें श्री प्रेम जी गोयल वरिष्ठ प्रचारक हैं जो जिन्होंने अपना जीवन पूरा जीवन समाज की सेवा में लगा दिया, उनका विशेष आशीर्वाद हमें 26 तारीख को उनकी उपस्थिति के रूप में मिलेगा। धन्यवाद। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।